अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू गाइस हैव एन अमेजिंग डे एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज मैं बहुत अरसा बाद अपना व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, अ डे इन माय लाइफ के नाम से। मतलब मेरी मॉर्निंग से लेके सुबह उठने से लेके अभी मैं उठ चुका हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। मॉर्निंग उठने से लेके रात को आके बिस्तर पे सोने तक की क्या रूटीन होती है, डे में क्या एक्टिविटीज़ होती है, इस सब इस व्लॉग में मैं बताऊंगा, तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल, और अभी मैं जा रहा हूँ डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए, एंड देन आई विल गेट आउट टू द ऑफिस। स्टे कनेक्टेड टू वॉच मोर। फ्रेंड्स, मैं हॉस्टल से बाहर आ गया हूँ, ये हॉस्टल के बाहर का एरिया है। अभी मैं जा रहा हूँ डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम जो वो साथ वाली बिल्डिंग में है। सो अभी चलता हूँ डाइनिंग रूम में। ब्रेकफास्ट में ऑल काइंड ऑफ एग होते हैं, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, बॉयल्ड एग, आमलेट, जैम, टोस्ट, अचार, कुछ एक डिश होती है वो पता नहीं क्या होगी आज, आई थिंक अंडा भुर्जा होगी या कोफ्ता चने, समथिंग लाइक दिस, और साथ रोटी होती है और एनीथिंग यू वॉन्ट टू ऐड वो आप अपने आप पर्सनली मंगवा सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं ब्रेकफास्ट में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं डाइनिंग हॉल में आ चुका हूँ, मैंने मुर्ग चने मंगवाए हैं और अंडा, बॉयल्ड एग, और मैंने पराठे का कहा है। बाकी मैं आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बाकी डाइनिंग हॉल का बाकी सिस्टम है, मतलब भी पीछे भी चेयर्स लगी हैं, आगे भी। ओके, सो नेक्स्ट ये होता है कि ब्रेकफास्ट हो गया है, डन, हमारी गाड़ी आ चुकी है। ये गाड़ी स्पेसिफिकली बनी है सिर्फ हम लोगों को ले जाने के लिए प्लांट, यहाँ से टाउनशिप से प्लांट साइड की तरफ। अभी मैं सवार होने लगा हूँ, इसमें सारे इंजीनियर्स होते हैं बाकी लड़के, तो मैं बस अकाउंटेंट हूँ यहाँ पे। ऑफिस में लैंड कर चुका हूँ, मतलब गाड़ी से उतर के मैं आ चुका हूँ एडमिन ब्लॉक में, वो गाड़ी लेके जाती। अच्छा, मैं सबसे पहले आता हूँ, ओके, तो अपने ऑफिस का दरवाजा भी आकर मैंने खोलना होता है। कहाँ गया, इंटरनल ऑडिट हो रहा, तो अभी दरवाजा खोलता हूँ। सिम खुल गया और लाइट ऑन कर लेता हूँ, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। सो दिस इज ऑफिस, में देखो ऑफिस आ गया, मैंने आके खोलना होता है लॉक, मैं चाबी निकालूं और गाड़ी बाकी इंजीनियर्स को छोड़ने चली गई है प्लांट साइट की तरफ। अच्छा, कमिंग अप नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट में ये होगा कि मतलब यही होता है, ब्रेक टाइम मैं जाता हूँ ऑफिस, एक घंटे की ब्रेक होती है 1 बजे, तो फिर से वो गाड़ी लेने आती है हम सबको, फिर हम लोग टाउनशिप में जाते हैं, डिनर लंच करके वापस आ जाते हैं, तो वो वाली रूटीन होगी। एंड नेक्स्ट अपकमिंग क्या होगा, देन फिर ऑफिस आ जाऊँगा वापस, फिर 5 बजे छुट्टी होगी, फिर गाड़ी लेने आएगी, फिर जाएँगे उधर, एंड फिर क्या होगा, फिर मैं जाऊँगा वॉक के लिए मगरिब के बाद, और फिर जिम थोड़ी देर के लिए, फिर डिनर, एंड देन मैं कुछ पढ़ूंगा और सो जाऊंगा। तो ये वाली सारी एक्टिविटीज़ आगे आने वाली है, इसके लिए स्टे कनेक्टेड। 1 बजे ब्रेक होती है, 1 घंटे की 2 बजे तक, तो अभी यहाँ पे फिर से गाड़ी आएगी लेने, तो मैं बाहर आ गया हूँ, बस गाड़ी भी आने वाली है, फिर मैं जाऊँ टाउनशिप जा रहे हैं वापस लंच के लिए। मैं लंच नहीं करता, मैं तो वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ, तो वही मैं जाके खाऊँगा और नमाज़ पढ़ूंगा, और टाइम हो जाएगा वापस आने का, फिर से गाड़ी पे बैठ के वापस आ जाएंगे। तो यही रूटीन है, बस जस्ट वेटिंग फॉर दैट गाड़ी। अभी आप लोगों को शोर आ रहा होगा थोड़ा प्लांट साइट की तरफ से, क्योंकि शोर आता है, सब चीज़ें चल रही हैं, तो मे बी बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा होगा। बाकी धूप बहुत है यहाँ पर, ठंडी नहीं आ रही। बैक साइड पर आ गया हूँ हॉस्टल की, ये लॉन है इतना बड़ा, यहाँ पर आपको चेयर्स नज़र आ रही हैं डिफरेंट, मैं नमाज़ पढ़ लूँ मसल्ला, ये रहा इससे पहले कि नमाज का वक्त गुजर जाए और ब्रेक का भी मैं चला। और ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये मैं खाता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और ड्राई फ्रूट्स जेब में डाल के ले जाता हूँ। सो अभी नमाज़ पढ़ते हैं फिर, देन नाउ वेटिंग फॉर गाड़ी, हर कोई वेट कर रहा है वो पीछे, बस जा रहे हैं। मैंने पीनट्स ले लिए हैं, बस अब चलते हैं। ये सारी रेजिडेंसीज हैं, एम्प्लॉयज़ उनकी फैमिलीज रहती हैं। अनप्लान ट्रिप हो गया था 7 के बाद शहर का, मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था कंपनी के नाम से, तो वो बैंक बुक वगैरह लेनी थी। अभी बहुत सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, एंट्रेंस गेट जो हैं वो पीछे हैं, तो अब ड्राइवर अभी गया है, कहते हैं सर आप इधर बैठे, मैं करवा के आता हूँ क्लियरेंस, फिर नेक्स्ट जाएंगे प्लांट की तरफ। बहुत बड़ा एरिया पीछे तक घेरा हुआ है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे, मैं ISRI के हेडक्वार्टर्स में रहा, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम इनका, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। सो गाइस, आई हैव रिटर्न्ड बैक टू माय हॉस्टल। ओह, पीछे मैनेजमेंट क्लब नज़र आ रहा है,
रुनके बहाल हो गई है। मैं अभी जाऊँगा शाम को वहाँ पे जिम। ये पीछे ये गेस्ट हाउस है और उसका एरिया है सारा। मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्टल एंड उसके बाद मेरा चेहरा रेड रेड हो गया। चलो अब सही हो गया। मैं जा रहा हूँ जॉगिंग करने। मैं इस वक्त 20 मिनट जॉगिंग करता हूँ, 20 मिनट वॉक करता हूँ और फिर आधा घंटा जिम जाता हूँ, वहाँ एक्सरसाइज करता हूँ। और उसके बाद मैं डिनर भी आज वहीं से करूँगा, मैनेजमेंट क्लब के कैफ़े से, क्योंकि आज वहाँ बिरयानी भी नहीं है। मैस मैंने ऑफ़ करवा दिया था डिनर अपना, क्योंकि चावल मुझे पसंद है और चावल यहाँ बहुत कम बनते हैं, तो फिर मैं चावल ज़रूर खाता हूँ, वो मिस नहीं करता। बाकी ये टाउनशिप का एरिया है और इधर पार्क है। तो मैं आ चुका हूँ क्लब में, मैनेजमेंट क्लब में। जिम जो है सेकंड फ्लोर पे है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे जिम में। लड़के ने बहुत भगाया, एक इंजीनियर मिल गया था, मेरा हॉस्टल फेलो ही है। उसने कहा जॉगिंग करते हैं, मैंने कहा हाँ मैं तो करता हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता करने की बजाय मुझे भगाया गधों की तरह, और मेरा सांस फूला हुआ है। अभी जिम आ गई है सामने। इधर बड़ा अच्छा सीन है, एक कहाँ गया वाटरफॉल है। तो चलते हैं अभी जिम की तरफ। कैफेज़ वगैरह नीचे है, तो नीचे जाके डिनर करूँगा फिर मैं। कोई भी सांस फूला हुआ है। सो राइट नाउ आई एम सिटिंग बैक साइड ऑफ मैनेजमेंट क्लब। यहाँ पे इधर पीछे स्विमिंग पूल्स हैं और यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल्स लगे हुए हैं। तो मैं बाहर लॉन में बैठा हूँ, मुझे बाहर सर्व किया जाएगा। डिनर के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाकी क्लब का सीन इधर है, कैफ़े का। कैफ़े में आपको प्रॉपर ड्रेसअप होके आना पड़ता है, प्रॉपर शूज़ पैंट शर्ट और समथिंग लाइक, मतलब फॉर्मल होके फिर आप खा सकते हैं। मैस का भी यही रूल है, जहाँ जितने भी यहाँ पे कैफ़े रेस्टोरेंट्स मैस वगैरह सबका यही रूल है कि फॉर्मल ड्रेसिंग में आ सकते हैं। वैसे नहीं, मैं कैजुअल अभी जिम में आया हूँ, तो इसलिए फिर मैं अभी बाहर सर्व किया जाऊँगा, तो बाहर खाऊँगा। गाइस दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मैं आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। मैं अपने रूम में वापस आ चुका हूँ। अभी मैं पढ़ूंगा कुछ देर, 10 बजे फिर मैं सो जाता हूँ। 10, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना होता है, इसलिए मैं 10 बजे सो जाता हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरी रूटीन बहुत बोरिंग लगी होगी, बट इन दिनों मेरी यही रूटीन चल रही है और होपफुली इन नियर फ्यूचर चेंज हो जाएगी, और मे बी ना हो। होपफुली यू गाइज हैव एन्जॉयड दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। इफ़ यू गाइज वॉन्टेड टू सी मोर व्लॉग्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे कनेक्टेड। गुड बाय एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।